चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप लोगों की? प्रैक्टिस कैसी चल रही सर? बढ़िया प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप लोगों की? हाँ जी, प्रैक्टिस आवाज आ रही है? चल रही है सर, कट प्रैक्टिस रहे कैसी चल चल रही है रहा है, चल आप लोगों की? प्रैक्टिस कैसी चल रही है? प्रैक्टिस रहे है सर, ठीक ठाक चल रही है, अच्छा, चल रहा है। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पेंट एंड टोलरेशन, पेंट एंड टोलरेशन। अगर इस टॉपिक को समझना है टॉपिक को समझना है इसको को रिलेट करो टेंट मींस लॉकर, टेंट मींस लॉकर। बिल्कुल और टोलरेशंस मींस की, तो टेंट मींस लॉकर, टोलरेशन मींस की। तो ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टेंट कंसेप्ट को जब हम कोई पॉड या किसी नोड में कोई पॉड शेड्यूल नहीं करवाना चाहते तो वहां पर हम लोग टेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे ये आपका मान लो नोड है, क्लस्टर, ये आपका क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर नोड्स हैं। ये नंबर ऑफ नोड है, ये समझ लो आपके नोड। ये आपका नोड टू, ये आपका नोड थ्री, ये आपका नोड फोर, ये आपका नोड फाइव, ये आपका नोड सिक्स, ये आपका नोड सेवन, और ये हो गया आपका नोड एट। और फॉर एग्जाम्पल ये तीन नोड आपने डेडिकेट करके रखा है HDFC प्रोजेक्ट्स के लिए। HDFC बैंक क्लाइंट के लिए, मतलब HDFC आपका क्लाइंट है, उसके जो रिसोर्सेस होंगे वो इन तीन नोड आपने उन्हें डेडिकेट करके रखा है।
ठीक है। और ये तीन नोड आपने आईसीआईसी बैंक क्लाइंट के लिए आपने डेडिकेट के रख करके रखा। समझ आ रही है? सर और ये दो नोड आपने एसबीआई बैंक क्लाइंट के लिए डेडिकेट करके रखा है। और इन सब क्लस्टर एक ही है, इनके मास्टर नोड एक ही है, इनका इंटरफेस एक ही है। तो अब मान लो अगर मैं कोई डिप्लॉयमेंट करने जा रहा हूँ, अब वो डिप्लॉयमेंट मैं कर रहा हूँ फॉर द एचडीएफसी के लिए, या कोई डिप्लॉयमेंट मैं कर रहा हूँ आईसीआईसीआई के लिए, कोई डिप्लॉयमेंट मैं कर रहा हूँ एसबीआई के लिए, तो मान लो एचडीएफसी डिप्लॉयमेंट करने जा रहा हूँ, एचडीएफसी के जो पॉड हैं अगर वो इधर चले जाएं तो परफेक्ट नहीं है, आईसीआईसी वाले पॉड इधर आ जाएं तो परफेक्ट नहीं है। एसबीआई वाले अगर इधर चले जाएं तो परफेक्ट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, और ये तो छोड़ दो, मान लो अगर आपका कोई ऐसा पॉड है जो एचडीएफसी से प्रोजेक्ट का भी नहीं है, आईसीआईसीआई का प्रोजेक्ट का भी नहीं है, एसबीआई के प्रोजेक्ट का भी नहीं है, आप बताओ कोई ऐसे पॉड जो इन तीनों प्रोजेक्ट से कोरिलेट नहीं करते, क्या उन्हें आप अपने नोड में रखना पसंद करोगे? सवाल उठता नहीं। तो कहा जाता है कि सबसे पहले क्या करो, अपने क्लस्टर के अंदर जितने भी नोड हैं सारे नोड में जाके ताला लगा दो। तो जब सारे नोड में जाके हम लोग ताला लगा देते हैं, तो फिर किसी भी एडमिन के थ्रू कोई पॉड अगर बनाने जाता है तो उस पॉड को बनाने के लिए नोड चाहिए और नोड में लगा हुआ है ताला, तो बनेगा नहीं। तो सारे नोड में हमने ताला लगा दिया, और फिर हमने क्या किया कि अगर एचडीएफसी वाला डिप्लॉयमेंट है तो हमने एचडीएफसी वाले को चाबी दे दी, हमने आईसीआईसी वाले को चाबी दे दी, हमने एसबीआई वाले को चाबी दे दी, बोला भाई देखो सब जगह लॉक लगा हुआ है, ये लो आप अपने एचडीएफसी वाले चाबी, ये लो आप अपने एसबीआई वाले चाबी, और आपने ये आईसीआईसी। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी, हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है? सर, तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल, इसके प्रैक्टिकल के लिए आपको कोई क्लस्टर स्पेसिफिक नहीं चाहिए। कहीं पे भी लैब आप कर सकते हो, क्लियर कोडा में भी कर सकते हो, बस आपको क्लस्टर चाहिए, बस रेडी टू मूव। तो मैंने एक फटाक से एक ऑनलाइन क्लस्टर ले लेता हूँ इस प्रैक्टिकल को करने के लिए।
तो मैं यहाँ पे कमांड मारता हूँ क्यूब सीटीएल गेट नोड। मेरे पास दो नोड है। अगर आप देखना चाहते हो कि इसमें टेंट लगा है या नहीं लगा, कैसे देखोगे? कमांड मारो क्यूब सीटीएल गेट नोड और कमांड मारो क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब नोड, नोड का नाम, कंट्रोल प्लेन ऊपर करो। क्या लिखा है? टेंट। तो ये देखो, इसमें टेंट लगा हुआ है, मतलब मास्टर नोड में बाय डिफॉल्ट टेंट लगा हुआ है। अब ईकेएस क्लस्टर में मास्टर नोड का एक्सेस तो आपको मिलता ही नहीं है, आपको तो वर्कर नोड होते हैं, तो वहां पे कोई टेंट नहीं लगा होता। बाय डिफॉल्ट किसी भी नोड में टेंट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर एक वर्कर नोड जो है मेरे पास, इसको अगर डिस्क्राइब करूंगा तो इसमें टेंट नहीं लगा हुआ। तो देखो टेंट नन है, तो इसका मतलब जिस नोड में टेंट, बाय डिफॉल्ट मास्टर नोड में टेंट इसलिए लगा होता है क्योंकि उसके अंदर मास्टर नोड वाले पॉड चल रहे होते हैं, तो अननेसेसरी आपके वर्कलोड वाले पॉड को नहीं लेना चाहता क्योंकि मास्टर नोड पे लोड इंक्रीज हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक डिप्लॉयमेंट करता हूँ अभी। डिप्लॉयमेंट डॉट क्यामल, क्यूबनेटिस की ऑफिशियल साइट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे रेप्लिका की 6 कॉपी लेता हूँ मैं। कमांड रन किया क्यूब सीटीएल 8 माइनस है। गेट पॉड 5.05। तो इसके सारे पॉड कहाँ गए? मास्टर नोड में कोई नहीं गया। समझ आ रही सर? हाँ सर। मास्टर नोड में कोई भी नहीं गया। क्योंकि मास्टर नोड में क्या लगा हुआ है? टेंट लगा हुआ है। अगर मैंने क्या किया, इस डिप्लॉयमेंट को अभी डिलीट करता हूं, डिलीट -f, और मैं चाहता हूं कि अपने वर्कर नोड में भी टेंट लगाना चाहता हूं, कैसे लगाओगे टेंट? क्यूब सीटीएल टेंट नोड्स, कौन से नोड में लगाना है उस नोड का नाम, उसके बाद लेबल टीम इज इक्वल टू
हैशटैग होता है प्रोजेक्ट HDFC बैंक। उसके बाद आता है टेंट का टाइप। तो टेंट के तीन टाइप होते हैं। अगर हम ऑफिशियल साइट पे जाएं और यहाँ पे टेंट के टाइप देखते हैं एक बार, ठीक टेंट के टाइप देखो क्या होता है। द अलाउ वैल्यू इफेक्ट फील्ड नो एग्जीक्यूट नो शेड्यूल एंड नो एंड प्रिफर नो शेड्यूल। अगर आपने नो शेड्यूल कर दिया यहाँ पर टेंट लगाते टाइम, क्या बोला ये उठाया आपने, तो टेंट लग गया, नो शेड्यूल में क्या होगा, जो करंट उस नोड में जो पॉड अभी तक बने हुए हैं वो तो चलते रहेंगे, वो वहीं रहेंगे, बट इन फ्यूचर अब कोई नया पॉड उस नोड में डिप्लॉय नहीं हो सकता, उसमें शेड्यूल नहीं हो सकता। तो अदर में वापस से नया डिप्लॉयमेंट करता हूं, तो क्या होगी क्यू सी टीयर, क्या होगा जरा आप अपनी नजरों से देखो। क्या दिखा रहा है दोस्तों, क्या दिखा रहा है, पेंडिंग। क्या दिखा रहा है, पेंडिंग। पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, जरा डिस्क्राइब करके देखें। क्या बोल रहा है, कह रहा है डिफॉल्ट शेड्यूलर आपके पास दो कल दो नोड है ना, कह रहा है अनटोल्ड टेंट, कह रहा है टॉलरेट नहीं कर पा रहा, टॉलरेशन की वैल्यू नहीं है उसके पास। अच्छा क्लियर हुआ, तो ये पेंडिंग स्टेज में जाएगा क्योंकि मार्च नोड में तो ऑलरेडी टेंट लगा ही हुआ था। 2 4 मिनट बचे, मास्टर नोड में तो आपके ऑलरेडी टेंट लगा हुआ था और आपने वर्कर नोड पे भी टेंट लगा दिया है ना, हाँ तो जगह ही नहीं उसको बनने के लिए। अगर मेरे को टेंट हटाना है तो कैसे हटाओगे, टेंट हटाना है तो कैसे हटाओगे, क्यूब सीटीएल गेट नोड, मैंने कमांड मारा क्यूब सीटीएल टेंट नोड्स, नोड का नाम, कंट्रोल टेंट
उसके बाद ये जो था ना, ये एज इट इज कॉपी करो यहां से। पेस्ट करो यहाँ लास्ट में आईफोन लगा दो। तो मैंने मास्टर नोट से टेंट हटा दूंगा, तो अगर मैं मास्टर नोट से टेंट हटा दूंगा तो जो पेंडिंग पॉड आ रहा था वो मास्टर नोट पे जाके बन जाएगा, देखना। देखो बन रहा है। देखो कंट्रोल प्लेन में जाके बन गया, समझ आई? हाँ सर, लेकिन कभी मार्शल ओवर पे बनाते नहीं ना जनरली नहीं अपन। नहीं बनाते नहीं। अरे आप कॉन्सेप्ट को समझो ना भाई, हाँ मुझे नहीं, मुझे सर, जहां नहीं बनाना वहां टेंट यस लगाना। ये रटना नहीं है कि मास्टर नोट पे नहीं बनाते। मास्टर यस नोट पे इतना नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पे मास्टर नोट के वाले पॉड चल रहे हैं, वहां क्यों बनाएंगे हम? सर। समझ आ रही है? हाँ हाँ इसलिए मास्टर नोट पे नहीं बनाते हो। तो अगर मेरे को मास्टर नोट से भी टेंट को रिमूव करना तो क्या करूंगा? मास्टर नोट से रिमूव कर दिया, वर्कर नोट से टेंट को रिमूव करना क्या करोगे? सेम कमांड फॉलो कर। क्या कमांड रन करो पहले? क्यूब डिटेल डिस्क्राइब नोट। आप देखो इस नोट में जो टेंट लगा हुआ है, ग्रैप माइनस आई एंड टेंट, तो कमांड मारो क्यूब सीटीएल। टेंट नोट्स, नोट का नाम, और ये कॉपी करो। आईफोन लगाए, टेंट रिमूव हो जाएगा, ये वन टू मेनी का डिलीवरी टेंट रिमूव हो जाएगा। अब जो मैं नया डिप्लॉयमेंट करूंगा वो कहीं भी चले जाएंगे। प्रोसेस आईडी जो वन टू मेनी का समझ आ रही है? हाँ ये जो इसकी आइडिया है, ये जो है जी, यस तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्यूब सीटीएल गेट बॉर्ड आईफोन ओ सर, एंड वाइड। तो अब देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, अभी वाले जो सारे पॉड है कहाँ चले गए? वर्कर नोड पे चले गए। मास्टर नोड पे भी चले जाएंगे क्योंकि टेंट तो कहीं नहीं लगा हुआ अभी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे कमांड मारता हूँ क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब करते डिस्क्राइब नोड, एंड मैंने यहाँ पे कमांड मारा ग्रैप माइनस आई टेन। समझ हैं आ रहा है सभी को? एक बार कंफर्म करो आप लोग। हाँ जी क्लियर सर, है ना? क्या आता है अभी मैंने यस टेंट रिमूव कर दिया, अब मैं यहाँ पे टेंट लगाने जा रहा हूँ क्यूब सीटीएल टेंट क्या नोड। आ नोड का नाम मैंने बोला रहा नोड, इसमें लगा रहा हूँ टेंट। है। इससे पहले मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एक नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर ना मैं कमांड रन करता हूँ क्यूब सीटीएल गेट कोड माइनस वाइड, और इसको मैं वॉच में डाल देता हूँ। ठीक है, किस में डाल देता हूँ? वॉच में। अब मैं यहाँ पे अटके के कमांड रन कर रहा हूँ क्यू सी टी एल गेट नोड टेंट देखेगा कहाँ पे आई एक प्रोजेक्ट और गुड़गांव का बंदर ये द्वार आ रहे हो तो एच डी एफ सी बैंक, ये और वाला इस जो बार गेट टेंट का टाइप रखता हूँ नो एग्जीक्यूट। क्या प्रॉब्लम है इसको अपडेट कंट्रोल
सेम चीज रन हो जाती है क्रिएट, उससे पहले ये डिलीट कर देता है एक बार इनकी चीज सब क्यू सी टी एल टी बचने इतने क्यों नोड इसने ऐसा नो बनाया एक्सक्यूट, तो क्या होगा? डिलीट। इस नोड में जो पॉड चल रहे हैं वो एग्जिस्टिंग पॉड भी इविक्ट हो जाएंगे यहाँ से। इविक्ट होके कहाँ जाएंगे? वो ढूंढेंगे क्लस्टर के अंदर। मास्टर नोड पे अभी नोड मास्टर नोड पे क्यों जा रहा है? क्योंकि मास्टर ही ऑनली है। अगर मास्टर नहीं होता तो वहां मास्टर में टेंट लगा होता तो वहां भी नहीं जाता, पेंडिंग स्टेज में चला जाता। फिर फ्यूचर में कोई नोड उसे मिलेगा खाली तो वहां चला जाएगा। तो मैंने कमांड मारा एंटर, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है। नहीं रिपोर्ट देखो सारे वहां से हटके यहाँ चले गए। ये है कि डिलीट कर दो उसके बाद क्लियर कर रहा है समझ आई? ये नहीं आईडी क्या होनी चाहिए तो डिलीट कर लेते हैं और लोकेशन अभी अगर मैं मास्टर में भी टेंट लगा दूं तो क्या होने वाला है? ये चीजें नहीं थी। अब इसमें एक और चर्चा है क्यू सी टी एल टेंट नोड डाउट बेटा अभी क्या हो रहा है ये डिलीट हो रहा है सारे जीरो हो गए ये सब डिलीट कर देंगे जब हम ऐड कर रहे हैं टू प्लस ऑप्शन डेटा पर अगर मान लेते हैं तीन बार मान लें मैंने सिंगापुर क्या हुआ? देखो की जगह उस केस में अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा पेंडिंग क्यों चला गया पेंडिंग? हाँ राउंड जी, पेंडिंग क्यों गया? होने के लिए अपने वो नोड पे मास्टर नोड पे नो शेड्यूल दिया नो एग्जीक्यूट किया। नो शेड्यूल करता तो चलता रहता, क्योंकि नो शेड्यूल क्या करता है कि करंट पॉड को नहीं हटाता है, फ्यूचर वालों को बंद कर देता है। बट नो एग्जीक्यूट क्या करता है कि फ्यूचर में भी कोई पॉड नहीं आएगा, करंट जो चल रहा है वो भी इविक्ट हो जाएगा वहां से। तो अब मेरे पॉड के लिए कहीं पर उसे नहीं क्या नहीं मिल रही? क्या नहीं मिल रहा सर? मिल रही जगह उसको ही नहीं मिल रही, क्रिएट तो ताला लगा हुआ है। तो चाबी दो से क्या दो चाबी? दो तो चाबी कैसे दोगे? पहली बार क्रिएट मैंने बोला क्यूब सी टी एक होगी अपडेट कर देते एडिट हैं डिप्लॉयमेंट, तो इसको चाबी देते हैं चल के। अपडेट कैसे दोगे चाबी? ये रहा सिंटेक्स। ना फिर आएंगे ये कंडीशन ये फर्स्ट क्रिएट कर दे नॉर्मल जब
आईडी है तो चेक करना पड़ेगा कि कनेक्शन ठीक है, यहाँ आएगा की वैल्यू जो आपने लिखा था टेंट लगाते टाइम प्रोजेक्ट, ऑपरेटर इक्वल वैल्यू में आएगा प्रोजेक्ट का नाम आईसीआईसीआई बैंक, और यहाँ आएगा इफेक्ट नो शेड्यूल या नो एग्जीक्यूट। तो क्या दिया था टेंट, टेंट का टाइप क्या था वो देखो, प्योर सी टी एल। आपके क्या था आईसीआईसीआई बैंक नो एग्जीक्यूट। पास नहीं सेव करके बाहर आओ। डेटा भी सारा है तो बनाया पाइथन आएगा हमारे पास के अंदर हमारे प्रोसेस आईडी का सीआईडी निकल जाएगा और आ जाएंगे हमारे पास एप्लीकेशन लेके ठीक है, अब यहाँ देखो क्या होने वाला है। हाँ लगता है टेंट की वैल्यू ज्यादा कर दिया। लेकिन तो अगर कुछ अपडेशन वाला होता तो हमें कुछ मिलता नया अब ना डिप्लॉयमेंट दे नहीं देता हूँ, मिलता कि तो टोटल चेंज हो रहा है जब तक तो टोटल क्लास में चेंज हो रहा है। नहीं पड़ता पता है कि एग्जिस्टिंग क्या पड़ा। हाँ, तो हम हमको कुछ नहीं मिला रहा तो फेस मारते ना इधर फेस मार देखते हैं या तो डिलीट करो या रिप्लेस करो जो भी तो मेरे को लग रहा है डिलीट ही कर दो ना रिप्लेस करेगा तो पहले का क्या करेगा। हाँ तो अरे सारा डेटा नहीं तैयार कैसे रिप्लेस मार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं करना है हमें मिल गया हमको उसका क्रिएट करना है ना गुड़गांव में पहले से गुड़गांव और हैदराबाद डाल दिया आप कुछ कुछ बोल रहे हो और गुड़गांव कुछ कुछ नहीं करेंगे। हाँ पर हम कुछ करेंगे नहीं बहुत ऑलरेडी है क्या करेगा कुछ नहीं करेगा हैदराबाद कार चला देगा हैदराबाद देखो बन रहा है ये।
वो एडिट वाले में ना कोई दिक्कत आ गई होगी सिंटेक्स में। देखो कहाँ जाके बना, ये कहाँ जाके बना वो। आपने टोलरेशन की वैल्यू दी है ना, क्या दी है, क्यों मास्टर नोड पे आपने बनी है मास्टर नोड में, वो की दे दिया ना उस की दे दिया, ब्रांच राइट को एग्जैक्टली जो उसको अनलॉक कर देगा। तो समझ आ गई। तो डेट एंड टोलरेशन क्या है, तो सर आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं एक क्वेश्चन है, कल। अभी दोनों भी नोड सपोज फ्री है तो वो जो कॉर्ड बनते हैं वो एक पहले नोड पे जाएगा दूसरे पे, ये कौन डिसाइड करता है कंपोनेंट्स का, कौन सा कंपोनेंट डिसाइड करता है? शेड्यूलर, ऑफिस कंपोनेंट और किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। नाइस, चलो ठीक है, कल मिलते हैं।